नमस्कार, मैं हूं वरीषा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पिछले 2 महीने से सुशीला तिवाड़ी राजकीय चिकित्सालय के उपनल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जिसे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि शंकर कोरंगा ने बुद्ध पार्क पहुंचकर कर्मचारियों का धरना समाप्त कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 20 या 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक में आपकी मांगों को रखा जाएगा, जिसमें उसका उचित निस्तारण कर आपकी मांगों पर अमल जामा पहनाया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, साथ ही धरना समाप्त करने का निर्णय भी लिया। सुशीला तिवाड़ी अस्पताल कर्मचारियों ने कहा है कि आंदोलन के समाप्त करने के निर्णय का अस्पताल प्रशासन ने भी स्वागत किया है और अब अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो न्योता दिया था हम लोगों को देहरादून में पटल पे आने का, तो उन्हें विभागीय समिति की बात करी है और आने वाले समय में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंदर हम लोगों को मर्च करने की बात करी है। कर्मचारियों का जो डाइवर्जन किया था उन्हें, जो 5800 रुपये जो प्रोत्साहन राशि के रूप में था, उस प्रोत्साहन राशि को सैलरी में ऐड करने की बात कही है और आने वाले समय में जो विभागीय संविदा जो उनके द्वारा जो होनी है, तो एक प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुँह से आश्वासन निकला तो हम समझते हैं कि वो अपने आश्वासन से मुकरेंगे नहीं, क्योंकि उनने कह दिया कि 3-4 दिन में जो कैबिनेट होने वाली, उस कैबिनेट में हम लोगों की बात प्रमुखता रखी जाएगी और इसीलिए उनने अपने अपने सहयोगी को भेज करके शंकर कोरंगा को यहाँ पर भेजा था, तन्मय रावत को यहाँ पर भेजा और उनने जो है हमारे अध्यक्ष महोदय को जूस पिला करके इस आंदोलन को समाप्त करने की बात। हमको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी द्वारा और माननीय मुखिया जो हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, जो भी हमारी मांगे थी उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया कि आप लोगों की जो ये मांगे हैं इनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा और इनको जल्द से जल्द कैबिनेट पर लाया जाएगा, ये बताया गया है हमको। और साथ ही साथ आप लोगों की जो भी वेतन विसंगति है इसको भी दूर करा जाएगा और मैं जहाँ तक होगी इस मसले को ही पूरा शॉर्ट आउट करने के मूड में हूँ। आप लोगों को विभागीय संविदा का भी के बारे में भी विचार किया जाएगा। तो ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जेजेएन न्यूज़ के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल जेजेएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।